देवन को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ स्पिरिट कॉलम एंड मैं ग्रेवयार्ड के अंदर स्पॉन होता हूँ, मतलब कि कब्रिस्तान मेरे दोस्तों। एंड जब मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे छोटे छोटे गोस्ट आ जाते हैं एंड उनके पीछे कार्गो भी आ जाता है जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, एंड उसकी पूरी पूरी आर्मी भी आ जाती है हमको मारने के लिए। यार इतने सारे एपिसोड देख चुके हो, अभी तक पता नहीं चला। साले कैंपिंग करके रखते हैं, जैसे स्पॉन होता हूँ वैसे ही आ जाते हैं मारने के लिए। और क्या, मारने लगी ये लोग फिर से हमको, कभी मारते मारते नहीं थकते। एंड ऐसे ही हमारे पूरे पूरे नन्हे से गोस्ट खत्म हो गए। ये देख के मुझको ही बहुत गुस्सा आ जाती है। एंड फिर क्या होना था, कार्गो मेरे पीछे आ जाता है एंड मुझसे पूछता है तुम मुझको देख सकते हो, मैं कहता हूँ हाँ मैं तुझको देख सकता हूँ। इतने में अटैक कर देता है मेरे ऊपर एंड अटैक करने के बाद मैं भी उसे चुपचाप मार खा लेता हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं था और ना ही मैं उसको मार सकता था, मेरे डैमेज का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। भाई का नाम कार्गो है बट नहीं, ऊपर सोल नाइट स्पॉन हुआ है उसके नेम में, मतलब क्या ही कहें अब। एंड बस ऐसे ही करके वो मुझको मार देता है, मतलब कि मैं जिंदा बच जाता हूँ एंड मैं वहां से चुपचाप भाग जाता हूँ, बिकॉज शुरुआत में यही तो एक काम होता है, हमको भागना ही होता है कहीं ना कहीं से। वहां से बच के बचा के चुपचाप हम वहां से निकल लेते हैं, बिकॉज भाई हमको पता है कि हम बचने वाले तो है नहीं इसके हाथों। एंड बस वहां से निकल लेते हैं हम लोग, वो भी मेरे पीछे आता है उसके घोड़े के ऊपर बढ़ के, बट हाँ वो अपने मिनियंस को मेरे पीछे लगा देता है। एंड बस डे टू को वही हालात वही वक्त था, गोस्ट हमारे पीछे थे कि उनको ये लग रहा था मैं उनकी जान बचा लूंगा, बट नहीं अभी तो मुझे मेरी जान बचानी है। एंड सामने से ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं, पीछे कार्गो की मिनियंस एंड सामने से ज़ॉम्बी, तो फिर मैं उड़ने लग जाता हूँ एंड सामने ही माउंटेन आ जाता है, मतलब इतनी खराब किस्मत किसी की होगी अभी तक। एंड पीछे पूरी पूरी कार्गो की आर्मी, कहते हैं सिलेंडर आ जाओ हमारे हाथों, बट नहीं हमको सिलेंडर नहीं होना है, हम उनसे फाइट करेंगे, बिकॉज भाई आधा हाथ तो है ही एंड मैंने थोड़ी बहुत अपनी पावर अपग्रेड की, बिकॉज डे टू था तो थोड़ी सी बढ़ गई होगी। एंड बस भिड़ गया उन लोगों से, भाई हाफ हार्ट था तब भी भाई दिमाग देख रहे हो कैसे मार रहा हूँ, भाई सैंड पाइस पैटर कुछ नहीं भाई मेरे साथ, मैंने हाफ हार्ट पे क्लच किया है, मजाक कर रहा हूँ यार भाई सीरियसली मत लेना। एंड हाँ बस ऐसे ही करके करके मैंने उनकी पूरी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। एंड बस खुशी मना रहा था, इतने में जमीन नीचे से ही खराब हो जाती है, मतलब नीचे गिर जाती है एंड आत्मा आती है मुझको नीचे ले जाती है। फिर से डे थ्री को वही हालात, पीछे एक ग्रीन गोब्लिन होता है, ग्रीन गोब्लिन किसी ने कहा है इसको यार, मतलब क्या नाम है इस बंदे का, ना शकल है ना अकल है, ठंड में ब्लैंकेट और क्योर रखा है भाई ने, चलो इसको ठीक है आप कुछ नहीं कह रहा मैं इससे। बट हाँ ये मुझसे कहता है कार्गो से फाइट मत करो, तुम उसके बराबर के नहीं हो, बस यही सोच के मैं उस पर अटैक कर देता हूँ। ये कार्गो का बहुत अच्छा वाला दोस्त था, और क्या भाई ने दोस्ती निभा दी, मेरे ऊपर अटैक कर दिया, भाई ऐसे होते हैं भाई दोस्त, मुझको मारने लगे, एक तरफ इसके दोस्त हैं एक तरफ मेरे दोस्त हैं, साले सामान लूट के भाग जाते हैं मेरा। एंड बस और क्या, सिलेंडर हो जाता हूँ उसके हाथों, बिकॉज आप बात तो बचा ही है एंड बहुत पावरफुल बंदा है, ऊपर से एक ईवल चुड़ैल आती है। अब देखो यार इतना टाइम तो है नहीं कि चुड़ैल को गूगल पे सर्च करके ट्रांसलेट कर लूं, इसलिए भाई तुम यही सुन लो भाई मेरे, ईवल बोलूंगा आज से इसको। एंड मैं देखो भाई फुल स्वैग में कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ उसकी, एंड वो लोग फाइट कर रहे हैं, इतने में वो टेलीपोर्ट होती है एंड मेरे पास आ जाती है। मैं खुद पहली बार देख के डर गया मुझको ना मार दे ये, लेकिन नहीं उसको मेरी मदद चाहिए थी तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। एंड 4 to 5 हम दोनों इन पूरी पूरी मिनियंस से बच के भागते हैं, बिकॉज भाई सब लोग हमारे दुश्मन होके रखे हैं। एंड उन दीदी ने मेरी जान बचाई तो उनका नाम और पूछ लेते हैं, तो वो कहती है मैं एलेक्स हूँ, मतलब गजब भाई स्टीव यार क्या काम किया यार तूने। एंड बस ऐसे ही थोड़े आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं कि भाई अपने ग्रीन गोब्लिन भाई तो बिल्कुल मस्त बैठे बैठे हमको देख रहे हैं, लेकिन अभी इधर कहाँ है वो, पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है उसकी यहाँ हमको मारने के लिए। ऊपर ग्रीन गोब्लिन भी बैठा होता है बिल्कुल अच्छे, हंसता हंसता कहता है कि यहाँ का एग्जिट तो मुझको ही पता है, मैं ही जा सकता हूँ बाहर। तो ठीक है भाई, वो आत्मा क्या मुझको फालतू में पकड़ के लाई थी नीचे, एंट्रेंस देख के तो एग्जिट भी वही होगा ना, तो इसकी मतलब ये सोचते सोचते मैं इनसे लड़ने लग जाता हूँ। तो वो जो एक इवल नन थी, मतलब कि एलेक्स, वो भी इन सभी से फाइट करने लगती है। एंड हाँ वो उसका जादू मतलब अजीब ही था, मतलब ईवल ही था उसका जादू तो। एंड बस मैं बस इस मॉड से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, मतलब ये क्या जादू हो जाता है यार कि हाफ आर्ट के बाद मुझको डैमेज लगना ही बंद हो जाता है। लेकिन चलो यार अब ये भी ठीक है, अब हो रहा है तो होने दो, अपन ही बच रहे हैं, अपन का क्या है यार। एंड बस थोड़ी देर उन सभी को मार दिया मैंने, एंड मेरी मुस्कुराहट देखो भाई कितना खुश हो रहा हूँ उनको मार के। एंड वो एलेक्स कहती है उधर से साइड हो जाओ, मैं उधर गड्ढा कर रहा हूँ, तो भाई उसने कर दिया। एंड वो लोग पूरे पूरे नीचे जाके गिर गए, पीछे से एक ज़ॉम्बी आया और उसको भी धक्का दे दिया। एंड ना वो उड़ नहीं सकती थी तो मैं भी कूद गया उसके पीछे, दे 6 to 7 मैं नीचे आ गया था बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं हुई। बट हाँ ये बायोम थोड़ी सी अलग सी नहीं लग रही तुम लोगों को। एंड बस पीछे से ये कुछ अलीक्सा ही जानवर था, एलेक्सा इसका नाम बताओ, चलो ठीक है इसका नाम बीस्ट है, ओके भाई मान लिया। एंड भाई साहब कह रहा है कि इसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया तो मुझको खाएगा भाई आधे घंटे पहले, मतलब बिल्कुल अभी यार, इतने सारे ग्रीन गोब्लिन की आर्मी गिरी थी उनको क्यों नहीं खाया। बट हाँ सामने मुझको एक टनल दिखती है तो मैं उसके अंदर
चला जाता हूँ जहाँ पे वो गोब्लिन नहीं आता, मतलब कि आ सकता। एंड हाँ, वो गोब्लिन नहीं है, बीस्ट है यार। मैं भूल जाता हूँ यार नाम, इतने सारी चीजों के नाम याद करके रखने पड़ते हैं। ऊपर से स्क्रिप्ट भी नहीं है तुम्हारे भाई के पास। एंड ऊपर से देखता हूँ तो भाई लावा गिरना भी चालू हो जाता है। लगता है भाई स्क्रिप्ट लिखना ही पड़ेगा भाई। लावा कौन गिना रहा है यार बिना बोले? बुलाता जब तक यस ना बोलूं तब तक लावा मत गिराना। गिराने लगे भाई, चीटिंग करते हैं यार इनको। अगली बार से वीडियो में नहीं रखूंगा, मतलब ठीक है यार, अब रख लेंगे उनको बेचारों को, कौन देगा। वो ऊपर एक बटन है, अभी देखा मुझको, आधे घंटा से तो देख रहा हूँ मैं। एंड सामने टनल खुल जाती है, मैं भी उस टनल के अंदर चला जाता हूँ। एंड वो टनल पीछे से बंद हो जाती है ताकि उधर लावा ना आ सके। एंड मैं अलग सी बायोम के अंदर आ चुका था जो कि ग्रीन ग्रीन थी। एंड उस बायोम के अंदर कुछ अलग से मिनियंस भी थे जो कि कुछ कैंपिंग टाइप कुछ कर रहे थे, बट हाँ कैंपिंग तो मैं कर रहा हूँ अभी। एंड सामने ईवल भाई देखो, बिल्कुल पिंजरे में बंद करके रखा है उसको। एंड मैं भी बिल्कुल धीरे धीरे उस पिंजरे की तरफ बढ़ता हूँ ताकि मैं उसको उधर से छुड़ा सकूँ। एंड सामने ही मिनियंस मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं तो मैं भी उनके ऊपर अटैक कर देता हूँ। एंड यहाँ ये मिनियंस नहीं थे, ईवल स्केलेटन थे जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। मुझको ये अभी पता चला, वैसे ये बहुत छोटे हैं यार साइज में, एक ब्लॉक के हैं ये तो, बट हाँ ये डैमेज भी बहुत ही अच्छा दे रहे थे मुझको, बिकॉज भाई ये कितने छोटे थे, इनके ऊपर निशाना भी नहीं लग रहा था मेरा। बट हाँ फिर मैंने जैसे तैसे करके इन सभी को उड़ा उड़ा के मार ही दिया। बस थोड़े से और बचे थे, इनको मैंने लावा मतलब उस पॉइजन लावा के अंदर फेंक दिया। एंड सभी लोग खत्म हो चुके थे तो मैं ईवल को बचाने के लिए निकल पड़ता हूँ। बट हाँ उधर एक छोटा सा स्केलेटन था, उसने लीवर को दबाया एंड ईवल नीचे गिर गया। अब मैं भी उड़ते उड़ते उसके पास जाने लगता हूँ। एंड दे 10 to 11 मैं उसको बचा ही लेता हूँ, मतलब नीचे कुछ तो मैं स्पॉन कर देता हूँ। मेरी ये पावर कब पता चली मुझको ये भी नहीं पता, क्या पता क्या मंत्र बोला था। बट हाँ अब हम लोग बच चुके थे तो वो स्केलेटन कुछ तो कहता है एंड वहाँ पे कुछ और भी ज्यादा खतरनाक से स्केलेटन स्पॉन हो जाते हैं। एंड भाई उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ और भी अजीब से स्केलेटन स्पॉन होते हैं एंड वो उस ईवल को मारने लग जाते हैं। तो ये देख के भाई मुझे गुस्सा आता है, बिकॉज भाई मेरा एक ही दोस्त था एंड उसको भी ये लोग मारने लग जाते हैं। एंड वो मुझसे कहता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज करो, मैं इनको नहीं हरा सकता। एंड ये इतने सारे थे कि मैं इनको मार नहीं सकता था, ये बहुत ज्यादा आ चुके थे, मतलब कि भाई ये किलो के हिसाब से आ रहे थे पूरे के पूरे, इतने सारे स्केलेटन हो चुके थे, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं मार सकता था। एंड इनका अटैक डैमेज भी बढ़ चुका था बिकॉज सब लोग हम ही को मार रहे थे। तो मैं सामने की तरफ देखता हूँ कि वहाँ पे और भी आ रहे थे, मतलब कि ऐसा लग रहा था ये कहीं से रिस्पॉन होके आ रहे हैं, मतलब एक बार मरते हैं तो वापस रिस्पॉन हो जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमको यहाँ से भागना चाहिए। एंड जब हम सामने देखते हैं तो सामने मेरी एक अपग्रेड पावर थी जिसको मुझे कलेक्ट करना था अपग्रेड होने के लिए। एंड जैसे ही मैं उसको कलेक्ट करने के लिए जा रहा था वहाँ पे ग्रीन गोब्लिन आ जाता है मुझको मारने के लिए, कहता है इतनी जल्दी क्या पावर लेने की, पहले मुझसे फाइट कर लो। तो उसके बाद 12 to 14 हम लोग फाइट करने लग जाते हैं एंड बस हमारी फाइट स्टार्ट हो ही जाती है। एंड वो उसके अलग अलग तरीकों से मेरे ऊपर अटैक करता है, मैं भी उसके ऊपर अटैक करता हूँ। बट हाँ मैं हाफ हार्ट में बच जाता हूँ बिकॉज मैं अभी बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था। बट हाँ तभी मुझे याद आता है मेरी सुपर पावर तो इधर ही पड़ी हुई है, पहले इसको कलेक्ट करते हैं उसके बाद उससे फाइट करेंगे। एंड मैं जैसे उसको कलेक्ट करता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एक अल्टीमेट, क्या नाम था शुरुआत में मेरा, आदित्य कुछ भी हो, बट हाँ मैं पावरफुल तो हो जाता हूँ ना। एंड पावरफुल जब मैं हो जाता हूँ तो मैं भी उससे फाइट करना चाहता हूँ। एंड उसके एक दो मिनियंस आते हैं मुझसे फाइट करने के लिए, बट हाँ मैं उनको जल्द से जल्द खत्म करता हूँ एंड फिर उसकी तरफ भी बढ़ जाता हूँ। एंड मेरे देहात भी बढ़ चुके थे जब मैं अभी देखता हूँ। एंड जब मैं उसको डैमेज देता हूँ तब वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है उस पॉइजन लावा के अंदर। सो ये देख के मुझको भी अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे तरीके से मरा है, मतलब ठीक है यार मैंने मारा है तो कोई बात नहीं, वो अजीब अजीब तरीकों से ही मरेगा। एंड जब मैं अभी पीछे देखता हूँ तो वहाँ पे ईवल आ जाती है एंड वो मुझसे कहती है चलो तुमको तुम्हारी और भी नई पावर्स चाहिए होंगी अब, बिकॉज एक पावर कलेक्ट करने के बाद टाइम लिमिट लग जाती है। अगर हम उससे पहले पहले अपनी और दो पावर्स कलेक्ट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। एंड जैसा कि अभी तुम लोगों ने सामने देखा कि वहां पे रास्ता बंद हो गया था तो ईवल ने नीचे गद्दा करके उधर से हमको निकाल लिया। बट हम जहाँ स्पॉन होते थे वो थी एंडर केव, मतलब कि भाई वार्डन केव। एंड इस वार्डन केव के अंदर बहुत सारे वार्डन थे, बट डोंट बी सीरियस बिकॉज हमारे सामने भी एक वार्डन था एंड वो हमको देख नहीं सकते थे बिकॉज उनकी आंखें नहीं होती। मैं उससे पूछता हूँ ये हमको कहाँ ले आई, वो कहती बिल्कुल चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलो, बिकॉज यार ये वार्डन केव है, इन्हें अगर थोड़ी सी साउंड सुना तो ये सब लोग तब तक नहीं रुकने वाले जब तक ये हमको मार ना देते हैं। एंड मुझे वहीं पे गलती से मुझसे थोड़ा सा साउंड हो गया एंड वार्डन बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से मतलब मुझको छू के निकला ऐसा लगा मुझको। बट हाँ मैं नहीं मरा, अच्छा हुआ कि उसने मुझे देखा नहीं अच्छे से। बट हाँ सामने मेरी एक और अपग्रेड पावर थी तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। बट हाँ मुझसे वहाँ पे फिर से एक साउंड हो जाता है, बट ये एक नॉर्मल सा साउंड नहीं था, ये बहुत ही पावरफुल वाला साउंड था। एंड उसको सुन के यहाँ पे सभी वार्डन एक्टिव हो जाते हैं। 18 to 20 हम लोग वहां से बचने का प्लान भी नहीं बना सकते थे बिकॉज भाई ये लोग बहुत ही पावरफुल बीम्स मार रहे थे मुझको एंड इनकी बीम से बचना इम्पॉसिबल एक टाइप से, बिकॉज भाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, हम इनको कुछ भी करके नहीं मारने वाले।
वाले थे, मतलब मार सकते थे बट हाँ पावर भी तो होनी चाहिए ना उतनी, इसलिए मुझको अपग्रेड होना है। वो एवीवल मुझसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इनको संभाल के रखता हूँ। डे 21 to 23 मैं अपनी पावर को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ एंड मैं सामने देखता हूँ कि मेरी पावर बिल्कुल सामने ही है मेरे। एंड मैं जैसे उस पावर को कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ तो मैं सामने की तरफ देखता हूँ कि वहाँ पे अल्टीमेट वार्डन स्पॉन हुआ है। एंड हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, मिठाई खाने के लिए स्पॉन तो हुआ नहीं हुआ, मुझको ही मारने के लिए स्पॉन हुआ हुआ, तो बस यही काम उसने चालू कर दिया। मतलब यार एक बात समझ में नहीं आती, एक तो मेरी पावर की प्रोटेक्शन करता है ऊपर से मुझको ही मारता है, ये कहाँ का अन्याय है, मतलब ये कहाँ का अन्याय है भाई। एंड बस हम लोगों की फाइट हो जाती है एंड वो भी मुझको फाइट में बहुत ज्यादा डैमेज देता है, बट हाँ मैं उसको फाइनली मार के अपनी पावर को एक्टिव कर लेता हूँ। एंड इस बार जब मैं अपनी पावर एक्टिव करता हूँ तो मुझको अपने अंदर पावर तो महसूस होती है बट हाँ मेरी स्किन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती एंड मेरे हाथ भी बढ़ जाते हैं। तो फिर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ इन सीढ़ियों से, मैं सोचता हूँ ये मुझको बाहर ले जाएंगी। इतने में पीछे देखता हूँ तो पीछे से ईवल भी आ रही होती है, वो पूरी पूरी वार्डन की सेना लेके। तो हम लोग वहां से जल्द भाग जाते हैं। डे 24-26 हम लोग बाहर आ ही जाते हैं। एंड हाँ यार तुमको अगर थोड़ी सी इधर उधर की आवाज सुनाई दे रही हो तो यार उसको इग्नोर करना, बिकॉज यार हमारे इधर अभी रेन हो रही है, मतलब बारिश हो रही है यार। एंड जब मैं स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर रहा था तो बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए आपको थोड़ी आवाज इधर उधर को लग सकती है, तो चलो उस बात को जाने देते हैं। बट हाँ हम जैसे ही केव के बाहर आए तो वहां पे उसके मिनियंस थे। किसके थे यार? उस कार्गो के मिनियंस थे यहाँ पे। एंड वो कुछ नॉर्मल मिनियंस नहीं थे, ये यहाँ पे पूरी पूरी अल्टीमेट स्केलेटन थे, जिनकी वीडियो तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में देखी होगी। मतलब कि यार ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड ये इतने पावरफुल होते हैं ना मुझको एक हिट में कदम कर सकते थे। बट अच्छा हुआ यार मैं अपनी पूरी पूरी पावर अपग्रेड करके ही वहां से निकला। एंड ईवल ने भी अपनी पूरी पावर लगा दी, इनको हिप्नोटाइज कर लिया, मतलब कि हाँ उसने इनको हिप्नोटाइज कर लिया बिकॉज ये हम पे अटैक नहीं कर रहे थे। एंड ईवल मुझसे कहती है कि भाई तुम यहाँ से चल जाओ, मैं अभी इनको हिप्नोटाइज करके रखती हूँ। एंड फिर मैं जैसे ही उस जंगल की तरफ से निकलता हूँ, मतलब कि उस फॉरेस्ट की तरफ से निकलता हूँ जहाँ से मुझको मेरी पावर मिलेगी, तो तभी वहाँ पे मुझे अजीब सा साउंड आना शुरू हो जाता है। एंड वो साउंड कुछ नॉर्मल नहीं था, वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्टर आ जाते हैं जो कि मेरे ऊपर अटैक करते हैं। डे 27-29 हम उनसे फाइट करते हैं। एंड जैसे ही मैं इनसे फाइट करता हूँ ना भाई, इनका डैमेज तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था, मतलब कि यार साइज में इतने छोटे हैं, डैमेज में इतने भयंकर, भाई कैसे कर रहे हैं ये लोग। एक टाइम के लिए तो भाई इनने लगभग मुझे मार ही दिया था। एंड जैसे ही इन्होंने मुझको मारा भाई, मतलब बिल्कुल हाफ हार्ट बचा था मेरा, मैं वहां से ऐसे भागा ना कि भाई कोई सोच भी नहीं सका। तभी मैं वहां से आगे आया एंड मुझे फ्लावर किंग मिल गया जो कि मुझे मेरी नेक्स्ट अपग्रेड पावर तक ले जाएगा। तो मुझको इसको मारना है एंड उसके बाद मैं अपग्रेड हो जाऊंगा, ऐसा सिर्फ मुझको लगता था बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम लोग एक दूसरे पे अटैक करते हैं एंड बस उसको मार ही देता हूँ मैं, मतलब लगभग मैं उसके ऊपर स्पैम क्लिक कर रहा था एंड उससे वो मर जाता है। एंड जैसे ही वो मरता है मैं उसके साथ साथ नीचे गिर जाता हूँ, मतलब कि भाई वहाँ पे ग्रेवल था। एंड 30-32 मैं वहाँ पे नीचे पहुंच ही जाता हूँ। एंड मैं ऊपर देखता हूँ तो वहाँ पे दिखता है कि मैं बहुत ही बड़ी वाली हाइट से नीचे गिरा हूँ जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, मतलब कि मैं जिंदा बच गया वो ज्यादा अच्छी बात है। एंड बस मैं वहाँ पे एक टेम्पल मिलता है मुझको, मैं उस टेम्पल के अंदर जाके देखता हूँ। जब मैं बाहर आता हूँ तो वहाँ पे एक टेम्पल होता है एंड जब मैं उस टेम्पल के अंदर जाने के लिए सोचता हूँ कि तभी मैं अंदर गिर जाता हूँ, क्या पता कैसे, बट हाँ उधर एक झोल था तो उससे मैं नीचे गिर जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ बिकॉज यहाँ पे भाई अल्टीमेट मतलब कि बहुत पावरफुल स्केलेटन्स थे, मतलब कि कार्गो की आर्मी भी थी यहाँ पे एंड वो कुछ स्केलेटन ऐसे थे जो कि मुझको एक हिट में खत्म कर सकते थे। बट हाँ सामने की तरफ उधर से निकलने का एक रास्ता था तो मैं वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ, बट हाँ तभी मेरा पैर एक प्रेशर प्लेट के ऊपर आ जाता है एंड बस हो नहीं किया था भाई, हो जाता है साउंड एंड वो लोग सुन लेते हैं एंड मेरे पीछे लग जाते हैं। ये देख के मुझको बहुत गुस्सा आती है मेरे ऊपर कि देख के तो चल लेता, क्यों नहीं चलता भाई देख के। एंड उसके बाद मैं वहां से भागता हूँ। 33-35 मैं वहां से भागता ही रहता हूँ एंड बस भागते भागते मैं थोड़े आगे आता हूँ ताकि मैं इनको इधर मार सकूँ। एंड ना तुम लोग ये मत सोचना कि मैं इसलिए यहाँ पे आया बिकॉज मैं उनसे डर रहा था, उनके इलाके में मान रहा हूँ बिकॉज भाई अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो बस वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं एंड मैं यहाँ पे बहुत बड़ा होल था तो मैं इन सबको यहीं पे धक्का देते जा रहा था, उठा के फेंक रहा था इनको। एंड बस फेंकते फेंकते बहुत टाइम हो गया एंड मैं वहां पे देखता हूँ नीचे कि नीचे से एक रोबोट आता है मेरे सामने एंड वो मुझसे कहता है मुझे नींद से किसने जगाया। तो भाई अपन डरपोक तो है नहीं, मैं कहता हूँ मैंने ही जगाया, कल जो करना है। 36-38 अब हमारी इससे भी फाइट होने वाली थी, मतलब कि मैंने कार्गो को छोड़ के बहुत सारे लोगों को मारा है बट हाँ कार्गो का नंबर भी जल्दी आने वाला है तो मुझको भी इसको मारना था। बट इसका साइज जो इतना बड़ा था ना कि मैं सोच रहा था जितना बड़ा साइज है उतना ही ज्यादा इसका डैमेज होगा, बट भाई इसका निशाना ही इतना कमजोर है, मतलब कि भाई इसका एम बहुत बेकार है। एंड भले ही इसका डैमेज बहुत ज्यादा अच्छा हो बट हाँ इसका एम तो बेकार है ना। एंड बस उसके बाद होना क्या था, मैंने उसको बहुत
तेज मारा एंड वो उधर ही मर गया। मुझे मेरी थर्ड अपग्रेड पावर भी मिल गई, मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। एंड जैसे ही मैंने उसको कलेक्ट किया मैं बन गया बिल्कुल भाई अल्टीमेट, बिल्कुल भाई अब मुझको कोई मार ही नहीं सकता, मेरे हार्ट बढ़ चुके थे। बट हाँ, तभी मुझे एक याद आती है एक बात जो कि ईवल ने मुझसे कही थी कि जैसे ही तुमको तुम्हारी अपग्रेड पावर मिले तो मुझे ऐसे ट्रेनिंग करने लगना। तो मैं वहाँ पे बहुत दिनों तक ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत सारे मॉब्स को मारता हूँ जो कि मुझसे भी पावरफुल थे। बट हाँ, मैं अल्टीमेट बन चुका था तो मुझको कोई मैं नहीं मार सकता था। तो बस यही सोच के मैंने बहुत सारे मॉब्स को मारा एंड इसको सभी को मारा मतलब, एंड मेरी ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी। तो हम लोग निकल जाते हैं गार्गो को मारने के लिए। बट हाँ, तभी हम थोड़े आगे पहुँचते हैं तो ये मुझसे पूछते हैं तुम तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हो, अब तो तुम गार्गो को मार दोगे। बट हाँ, तभी मैं पीछे देखता हूँ तो पीछे कुछ अजीब सा ही मॉब था, मैंने उसको अपनी टेलीपोर्टिंग पावर से उसको तुरंत मार दिया एंड मैंने उसको हवा में किल कर दिया था। मतलब कि हाँ यार, मैंने ऐसे मारा था उसको। तो फिर एलेक्स भी कहने लगी तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारी अपग्रेड पावर बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तभी वो मॉब गिरता है जहाँ पे, वहाँ पे मुझको एक मैप मिलता है। मैं कहता हूँ कि हम इस जगह पे चलते हैं, तो डे 97 to 98 हम उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो मैप लाया था हमको। एंड उस जगह पे अभी कुछ भी नहीं था एंड तुम लोगों को शायद नहीं पता, बट हाँ मेरी अभी भी एक अपग्रेड पावर रह चुकी है जिससे मैं गार्गो को मार सकता हूँ, और उसके बाद इस वर्ल्ड में मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं रहेगा। तो सामने ही देखता हूँ कि सामने ही गार्गो आ जाता है एंड वो मुझसे कहता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा अपग्रेड हो चुके। मैं भी कहता हाँ, अब तुम मुझसे नहीं बच सकता। बस वो मुझसे कहता है तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम अपनी एक और अपग्रेड पावर नहीं ले सकते। तो मुझे इससे पूरा पता चल जाता है कि मैं उसी अपग्रेड पावर से इसको मार सकता हूँ। एंड उसके बाद हमारी फाइट होने लगती है, तो ईविल में मेरी बहुत ज्यादा मदद करती है उसको मारने में। डे 99 आ जाता है एंड मैं सोचता हूँ मैं इसको अपनी बिना अपग्रेड पावर को नहीं मार सकता, मतलब बहुत टाइम लगेगा। कि तभी ईविल मुझसे कहती है कि तुम जल्द से जल्द जाओ और अपनी अपग्रेड पावर ले लो, मैं इसको संभाल के रखती हूँ। कि तभी वो गार्गो कहता है कि तुम मुझसे एक मिनट भी नहीं टिक सकती। बट हाँ, मैं जल्द से जल्द वहां से निकलता हूँ, अपनी अपग्रेड पावर को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे मैं अपने अपग्रेड पावर को कलेक्ट करता हूँ मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता हूँ, मेरे हार्ट बढ़ जाते हैं, मेरी स्किन थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी चेंज हो जाती है एंड मेरे पास वो ही पावर थी जिससे मैं कार्गो को खत्म कर सकता था। फाइनली डे 100 भी आ चुका था एंड हमारे सामने कार्गो भी आ चुका था। तो बस अभी दो ही चांसेस थे कि आज कार्गो रहेगा या फिर मैं। हम लोगों की फाइट होने वाली थी, बट हाँ हम लोगों की फाइट हो ही गई थी भाई। बस इतना सस्पेंस बहुत है, बहुत सस्पेंस क्रिएट कर लिया, अब फाइट का मजा भी लो तुम, ठीक है ना। हाँ चलो, हम लोगों की फाइट होती है एंड हाँ, मैं अपने नॉर्मल वेपन इस्तेमाल कर रहा था तो मैं उसको नहीं मार पा रहा था, मतलब कि उन नॉर्मल वेपन से वो नहीं मरेगा। बट हाँ, मेरे पास एक ऐसा वेपन था जिसकी मदद से मैं सभी को खत्म कर सकता था एक ही हिट के अंदर, तो मैं उस वेपन का यूज करता हूँ एंड अब गार्गो भी खत्म हो चुका है। तो गाइस, हमने ऐसे सर्वाइव किए डे 100 एज अ स्ट्रीट कॉलम। सो मिलते हैं आपसे किसी और नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।